नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला देश विदेश से आए पर्यटकों और शिल्पकारों के लिए कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने का एक महामंच साबित हो रहा है। इन हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदने के लिए भारी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। इस हस्तशिल्प मेले में विरासत हेरिटेज विलेज कुरुक्षेत्र की ओर से अपना घर की साज सजा की गई है, जिसमें हरियाणवी लोक जीवन की झलक दिखाई जा रही है। सूरजकुंड मेले में हरियाणा के हस्तशिल्प की विरासत की ओर से बढ़ावा देने के लिए हरियाणवी फुलझड़ियों की स्टॉल लगाया गया है। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। मैंने यहाँ पर बहुत सी हमारी सांस्कृतिक विरासत की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने संजो करके रखी हैं। इसमें मतलब हमारे पास 300-400 साल पुराने जो बाट हैं, जो रियासतों के बाट हैं, उनका पूरा इतिहास हमने यहाँ पर संजोया है। खेती बाड़ी की जो विषय वस्तुएँ हैं वो हमने संजो करके रखी हैं। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेजा पहले देसी जो रंग होते थे, पेड़ पौधे के जो रंग होते थे उनसे रंगे जाते थे, तो इस तरह के यहाँ पर छापे हैं वो भी हमने यहाँ पर रखे हैं। इसके साथ ही जो डायल है, खेतों में पानी पहुँचाने का काम करती थी, और पुराने बर्तन हैं, और हमारे पास 200-300 साल पुराने जो ताले हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही रथ है, रमझोल यानी कि मंझोली है, बैलड़ी है, उनके जुए हैं, और हलों के अलग अलग जो प्रकार के बैलगाड़ी के वो सारे जुओं की पूरी विविधता हमने दिखाई है। तो इसके साथ ही हमारा उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी इससे जुड़े, इसलिए हमने यहाँ पर 5 जो है वो सेल्फी पॉइंट भी बनाए हैं, जिसमें चक्की पीसते हुए आप देख सकते हैं, जरोखे में जा कर के सेल्फी ले सकते हैं, गंडासे के साथ आप न्यार काटते हुए सेल्फी ले सकते हैं, ओखड़ को कूटते हुए सेल्फी ले सकते हैं, और जो हुक्का है, ये जो दहला है, यानी कि दहला बहुत बड़ा होता था, पलंग से भी बड़ा। पहले जो सार्वजनिक स्थान होते थे जिसमें चौपाल हैं जो विशेषकर, तो ऐसे स्थानों पर ये दहले जो है बिछाए जाते थे। इस परंपरा को हमने चौपाल की संस्कृति को भी यहाँ दिखाया। लोग आ रहे हैं बार बार। सबसे जो सुखद बात मुझे जो लगती है, यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर है, एल्डर टू चिल्ड्रन है, बड़े बताते हैं बच्चों को कि हमने ये प्रयोग की थी, ये तेरी दादी के पास हुआ करती, ये मेरे ताऊ के पास थी, ये मेरे बाबू के पास थी। बच्चों को बड़ों के माध्यम से जानकारी मिल रही है अपनी संस्कृति की, इससे बड़ा काम हो नहीं सकता हमारे लिए। यहाँ आके बिल्कुल गांव की याद आई, स्पेसिफिकली इस एरिया को देख के, चक्की गंडासा, क्योंकि हमारे घर में था, मेरी मम्मी यूज़ करती थी गंडासा, तो बिल्कुल हम लोग भी हेल्प करवाते थे, और ये चक्की वाला तो मेरी दादी जी के ही टाइम पे था, मम्मी और ने भी थोड़ा यूज़ किया है, फिर हमारे टाइम पे तो वो मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी वाली चक्की आ गई थी। और आज यहाँ पे आके इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा कि अपने जो बच्चे, अब नई जनरेशन है, उन्होंने तो ये कभी देखा ही नहीं, वो तो गुड़गांव मोनी है, तो उनको ये थोड़ा सा बताया, बेटा ऐसे पहले इतनी हार्ड लाइफ थी और ये सब चीज़ें मैन्युअली होती थी, अभी जो आपको रेडीमेड फॉर्म में मिल रही है, तो नो डाउट कि ऐसे फेयर जो हैं अपने कल्चर के लिए, उनकी एक झलक दिखाने के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। कम से कम इस बहाने हमारी जनरेशन को या आगे आने वाली जनरेशन को है, उनको पता चलता है कि हम कितना टफ टाइम क्रॉस करके आए हैं और उसकी कितनी वैल्यू है, और हम उसको बना के रखें।